हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान, आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है और इसको पहले हम उबालेंगे। ये देखिए हमारा दूध उबल गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इस दूध को जो है थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब देखिए थोड़ा सा दूध हमने इसमें से निकाल लिया है और ये ठंडा है, रूम टेम्परेचर के जितना है। अब हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना पड़े। हमने घोल लिया है और इसमें देखिए जरा भी लम्स नहीं पड़े हैं। आप चाहें तो उबलते हुए दूध में भी डाल सकते हैं कस्टर्ड पाउडर और घोल सकते हैं, पर लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए अलग थोड़ा सा दूध निकालें और इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल के घोलें। अब देखिए दूध गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और दूध को चलाएंगे। अब हम इस दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे पका पका कर। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हुआ है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। अब देखिए हम 1 कप चीनी डालेंगे इसमें और थोड़ा सा पकाएंगे चीनी डालकर, क्योंकि चीनी इसमें घुल जाए। देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे हम। अब गैस बंद करेंगे और इसको अब ठंडा होने देंगे। देखिए ठंडा हो गया है और हम इस ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बोल में। और ये मैंने फ्रूट काटे लिए थे, केला है, अंगूर है, सेब है और अनार है। ये फ्रूट हम इसमें डाल देंगे। अब केला डालेंगे पहले। अंगूर डालेंगे थोड़े से, मैं बाद में डालूंगी। और ये सेब डालेंगे। आप, मैंने ये सेब छिलके वाले काटे हैं, आप चाहे तो छिलका छील के भी काट सकते हैं, पर मैंने छिलका समेत ही काटे हैं। और इसको घोलेंगे और इसको अब 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़े अनार डालेंगे। देखिए ठंडा हो गया है और हम इस ट्रांसफर कर लेंगे इस बोल में। और ये मैंने फ्रूट काटे लिए थे, केला है, अंगूर है, सेब है और अनार है। ये फ्रूट हम इसमें डाल देंगे। अब केला डालेंगे पहले। अंगूर डालेंगे थोड़े से, मैं बाद में डालूंगी। और ये सेब डालेंगे। आप, मैंने ये सेब छिलके वाले काटे हैं, आप चाहे तो छिलका छील के भी काट सकते हैं, पर मैंने छिलका समेत ही काटे हैं। और इसको घोलेंगे और इसको अब
चार घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़े अनार डालेंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। आप किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं या बाउल में निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इनमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें बादाम डालूंगी, गार्निश करूंगी। थोड़े से अनार डालूंगी। और ये काजू डालूंगी। और ये कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही इजी है और झटपट तैयार होने वाली है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो ये लीजिए, कस्टर्ड तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे की नई वीडियो के साथ।